Hello students, here we will discuss on introduction to economics. What is economics? How could the economy perform? Okay, the first topic is we should know about meaning of economy. What is basically economics? In simple word, economy is a science which studies human behavior. Human behavior definitely कैसे human जो है वो अपनी wants और अपनी needs या अपनी desires को complete करते हैं, क्योंकि हमने economy के अंदर एक simple thing देखी है, two terms होते हैं, that is unlimited wants and second is limited resources. The first thing is unlimited wants. That means एक person की wants हमेशा unlimited होती है. For suppose me, मुझे अगर cycle लानी है, तो जब मैं cycle ले लूँगी तो मेरी नई need create हो जाएगी, क्योंकि मुझे bike लेना. मेरी need कभी भी खत्म नहीं हो सकती. Bike वाली need fulfill होने के बाद मेरी need create हो जाएगी मुझे car लेने की. Car वाली need fulfill होने के बाद मैं car मुझे और models देखने, क्योंकि हम ह्यूमन बींग और हमारी वॉन्ट्स जो है कभी भी हम किसी भी वॉन्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. हम कुछ टाइम के लिए उस वॉन्ट से सेटिस्फाइड होंगे, देन हमारी एक नई वॉन्ट फिर से क्रिएट हो जाएगी. और द मेन थिंग कि हम अपनी उन वॉन्ट्स को फुलफिल किससे करते हैं, रिसोर्सेज. और रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज बेसिकली इज मनी. एंड मनी का डायरेक्ट रिलेशन होता है अनलिमिटेड वॉन्ट्स. अब हमारे वॉन्ट्स तो है अनलिमिटेड और हमारे रिसोर्सेज है लिमिटेड, तो कैसे इकोनॉमिक्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, वो हमें पता करना होता है कि कैसे एक इकोनॉमिक जो है वो अनलिमिटेड वॉन्ट और लिमिटेड वॉन्ट के लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशन को बना करता है. तो बेसिकली इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हाउ अ ह्यूमन कुड maintain a relation of unlimited want and limited resources. Okay. Second thing, economy is a science of study what kind of problem a person has to face in unlimited want and how he could use such kind of solution to fulfill his unlimited want. Basically, economic is a science and art. Science which is give ideas अनलिमिटेड वॉन्ट को कैसे हमें फुलफिल करना, एंड आर्ट हाउ कुड द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कैसे हम अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको हम यूज करके अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट को फुलफिल कर सकते हैं. ओके, सेकेंड टर्म्स है इकोनॉमिक की बहुत सारे डेफिनेशन है. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन दी. हमारे पास कुछ टाइम की डेफिनेशन है जो हमें इकोनॉमी को मीनिंग बताता है कि इकोनॉमी को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में हम देख सकते हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ एंड ही इज डिस्क्राइब्ड दैट कि एक पर्सन का सीधा रिलेशन होता है वेल्थ, दैट मीन मनी और नीड्स के बीच में. एक पर्सन अपनी नीड्स को सिर्फ और सिर्फ मनी से ही कंप्लीट कर सकता है, तो वो जितना ज्यादा मनी को अर्न करेगा उतनी ही ज्यादा अपनी नीड्स को वो फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ. सेकेंड डेफिनेशन दी है वेलफेयर ओरिएंटेड. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मार्शल. अकॉर्डिंग टू मार्शल नाम से हो जाए वेलफेयर मीन्स वेलबींग प्रोस्पैरिटी, जो वेल्थ से बिल्कुल डिफर है. तो अकॉर्डिंग टू मार्शल वेलफेयर ओरिएंटेड मीन्स एक पर्सन अपनी नीड्स को सिर्फ वेल्थ के थ्रू ही पूरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ वेल्थ ही मैटर कर रहा हो ये वेलफेयर ओरिएंटेड के अंदर नहीं आता. वेलफेयर ओरिएंटेड मीन्स कुछ नीड्स ऐसी होती है जो अगर नहीं भी फुलफिल हो तो एक पर्सन को खुश रहना चाहिए. वेलफेयर ओरिएंटेड के मीन्स अकॉर्डिंग टू वेलफेयर ओरिएंटेड एक पर्सन अपने आप को फर्स्ट सेटिस्फाइड रखे, उसके सेटिस्फाइड रहने से उसकी कुछ नीड्स नहीं भी फुलफिल हो रही तब भी वो अपने आप को एक हैप्पी प्लेस में फील करेगा. थर्ड डेफिनेशन है स्केयर्सिटी डेफिनेशन. स्केयर्सिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबिन्स. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स उन्होंने कहा है कि एक पर्सन
होम्स को एक हेराइकल प्रोसेस में कन्वर्ट करना चाहिए, जहाँ पर वो उन नीड्स को सबसे पहले देखे जिनका पूरा होना सबसे ज़्यादा जरूरी हो, जैसे हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स हो गया, फूड, वाटर, क्लॉथ, उसके बाद आती है दूसरी नीड्स जिनके पूरा होना जरूरी तो है पर उतना नहीं जितनी हमारी प्राइमरी नीड्स का पूरा होना जरूरी है। इस तरीके से हम एक ऐसी प्रोसेस या ऐसी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम उन नीड्स को वन बाय वन देख सकते हैं, जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए सबसे फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, देन उसके बाद उन नीड्स को जो उसके बाद हम पूरी कर सकते हैं, लास्ट में उन नीड्स को रख सकते हैं जिनके नहीं भी पूरा होने पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, फोर्थ डेफिनेशन है वांट लेस लेस डेफिनेशन। फोर्थ डेफिनेशन है वांट लेस लेस डेफिनेशन। वांट जैसा मैं नाम से समझ रहा हूँ, वांट लेस लेस अकॉर्डिंग टू जितने मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने आपको सेटिस्फाइड करे या अपने नीड्स को कम करे या अपने नीड को कम करने की कोशिश करे, वो फिर भी अपने आप को अंदर से सेटिस्फाइड नहीं फील करेगा। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जितेंद्र मेहता वो ये कहते हैं कि एक पर्सन को अपनी वॉन्ट्स को बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, उन्हें नई थिंग्स के ऊपर या ऐसी चीज़ जो उसकी वॉन्ट को क्रिएट कर सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर उसे फोकस नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी वॉन्ट्स क्रिएट नहीं होगी या उसे अनसेटिस्फाइड जैसे फीलिंग नहीं आएगी। ओके, फिफ्थ वन है डेवलपमेंट डेजिग्नेशन। This definition is given by Samuelson and this is the last definition जिसकी कोई criticize नहीं की है। Welfare-oriented definition की criticism थी तभी welfare-oriented definition की criticism थी तभी scarcity definition है। Scarcity definition की criticism से wealth worthlessness है, worthlessness की criticism से development best definition है। लास्ट डेफिनेशन इज डेवलपमेंट बेस्ट डेफिनेशन। दैट मीन सैमुएलसन ये कहते हैं कि आप अपनी उन नीड्स के ऊपर फोकस करें जो आपको डेवलप कर रहे हैं, जो आपको मोर मनी अर्न करने के फोकस कर रहे हैं, जिससे आप अपनी वॉन्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मोर अर्न मनी पे फोकस कर सकते हैं। मनी जो है वो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, उससे अपनी और भी जो नीड्स हैं उनको पूरी कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग आपको ना तो वेल्थ पर फोकस करना है, वेलफेयर करना है, स्कर्सिटी करना है, वॉन्टलेसनेस, ना आपको अपनी कोई नीड कम करनी है, ना सिर्फ मनी पर डिपेंडेंट होना, ना ही आपको अपनी नीड को कोई चॉइस मेथड में इंक्लूड करना है। उनके अकॉर्डिंग आप अपनी वॉन्ट को फुलफिल करो, साथ में वो देखते हुए कि आप किन के थ्रू और मनी अर्न कर सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा मनी को अर्न करके अपनी मोर जो वॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। ओके, सो हियर आर द फाइव डेफिनेशंस ऑफ फाइव डेफिनेशन विच इज डिस्क्राइब द सिंपल मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, और हर एक इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अलग अलग मीनिंग्स। सो बेसिकली द सिंगल वन मीनिंग इज इकोनॉमी इज बेसिकली अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हाउ कुड अ ह्यूमन स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन नीड्स विच इज अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड। ओके, द सेकेंड टर्म इज नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी इज डिराइव्ड इन टू टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली अ स्मॉल टर्म जहाँ पर हम किसी एक कस्टमर, एक फार्मर, एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल की स्टडी कर सकते हैं। मैक्रो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो। मैक्रो इज बेसिकली अ ह्यूज फॉर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इंक्लूड ग्रुप ऑफ कस्टमर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ फार्म, जहाँ पर हर चीज बिगर लेवल पे एक्सप्लेन हो रही है। माइक्रो इकोनॉमी बेसिकली इंक्लूड फाइव टर्म्स, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। कंजम्पशन मीन्स एक पर्सन जो अपनी वॉन्ट्स को कंज्यूम कर रहा है थ्रू गिव मनी, मनी को दे करके वो अपने वॉन्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। प्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोड्यूसर जो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट कर रहा है मनी को लगा करके, ताकि वो कस्टमर की नीड्स को कंप्लीट कर सके। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली एलोकेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अलग अलग लोगों में। एक्सचेंज इज बेसिकली अ प्रोसेस विच डिफाइन कैसे हम एक पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी चेन होती है
जैसे फैक्ट्री से माल लोग होलसेलर के पास आ रहा है, होलसेलर से रिटेलर के पास आ रहा है, रिटेलर से फाइनल कस्टमर के पास आ रहा है. तो बेसिकली एक्सचेंज इज अ प्रोसेस विच इज ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, होलसेलर टू होलसेलर, रिटेलर टू रिटेलर. फाइव इज इकोनॉमिक वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर इज बेसिकली सीन द मेथड जहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे लोग अपनी नीड्स को कंप्लीट कर, क्योंकि जो लोग अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन वो लोग कैपेबल है उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए. तो बेसिकली इकोनॉमिक वेलफेयर देखते हैं कि कितनी परचेसिंग पावर है, क्योंकि जितनी ज्यादा परचेसिंग पावर है उससे हमें ये पता चल रहा है कि ये लोग उतना कमा रहे हैं कि अपनी नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं. ओके, सेकेंड टर्म इज माइक्रो इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल इज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. नेशनल इनकम इज मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम इज इंक्लूड पर पर्सन इनकम इन अ कंट्री. एक कंट्री के अंदर हर एक पर्सन की इनकम को हम जब इंक्लूड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिलता है. एम्प्लॉयमेंट में एक कंट्री के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ. जो लोग अनएम्प्लॉयड है दैट मीन उन लोगों के पास काम नहीं है करने को, तो दैट मीन वो अपनी नीड्स को अकम्प्लीट कर पा रहे. सेकेंड इज जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल बेसिकली एक इंडेक्स है जो मेजर करता है कि कैसे प्राइस के अंदर अपडेट्स आ रहे हैं. सिंपल थिंग, मान लीजिए मेरे पास मुझे सिर्फ एक चीज बनानी है, उस एक चीज को बनाने के लिए मेरा प्रोडक्शन हाउस होगा वही होगा, मेरी कॉस्टिंग डेफिनेटली ज्यादा आएगी क्योंकि उसके अंदर मशीन एक को बनाने के लिए वही यूज होगी, लाइट, एवरीथिंग, जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी थिंग्स जो उस गुड्स के बनने के पहले आ रहे हैं वो सारी चीजें मेरी उतनी यूज होगी. तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, उसकी प्राइस ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड कम, इसलिए मुझे एक बनाना. अब अगर मेरे पास डिमांड ज्यादा है दैट मीन मैं वो ही एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बनाऊंगी, तो ज्यादा बनाने में क्या होगा, उसकी कॉस्टिंग मेरे लिए कम होगी, कॉस्टिंग कम होगी तो उसकी प्राइस भी कम होगी. तो बेसिकली जनरल प्राइस लेवल क्या बताया हमें कि जिस कंट्री में या जिस एरिया में परचेसिंग पावर ज्यादा है दैट मीन वहां पर नीड्स ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है तो वो नीड्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, दैट मीन हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा बना सकते हैं, तो उसका प्राइस डेफिनेटली कम होगा. थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो दोनों से लिंक कर रहा है. अगर किसी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, किसी कंट्री की नेशनल इनकम अच्छी है, परचेसिंग पावर अच्छी है, तो डेफिनेटली उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छी ही होगी. फोर्थ है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस कंट्री के अंदर इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली माइक्रो लेवल पे हो पा रहा है. जैसे हमें तीन टर्म्स में देख लेते हैं, नेशनल इनकम है तो कैसे अलग अलग वे में लोगों की इनकम ज्यादा, कौन से वे की इनकम सबसे ज्यादा हो रही है, किस फील्ड के अंदर इनकम कम हो रही है, परचेसिंग पावर अगर ज्यादा है तो लोगों की परचेसिंग पावर किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है, या कौन से ऐसे गुड्स है जिनकी परचेसिंग पावर लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि हर एक पर्सन का साइकोलॉजिकल स्टेटस अलग अलग होता है, हर एक पर्सन अलग अलग थिंग्स के डिजायर करता है. मुझे जो चीज पसंद है वो जरूरी नहीं कि सबको पसंद हो, सो हर एक पर्सन का टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस अलग होता है. तो हमें ये देखना होता है कि हर एक पर्सन की जो वॉन्ट्स है वो कौन कौन सी है, किस वॉन्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है. सो here are complete five terms in microeconomy and four terms in macroeconomy. This both are included or this both can be met economy. Economy is defined in two terms, microeconomy and macroeconomy.